ये वीडियो में मिनरल वाटर प्लांट कैसा रखना, उसमें के क्या मशीनरी चाहिए, उसका कास्ट क्या है, पूरा भी मैं आज आपको बताऊंगा। पहला हम इसके लिए एक प्लांट या एक साइट या एक घर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद से हम ये मोटर वाटर का सोर्स, ये बोर या कोसा भी वाटर सोर्स अच्छा रहना, ये टेस्टिंग करा के हम नेक्स्ट स्टेप में वाटर प्लांट मशीनरी मोलना पड़ेगा। पहला ये वाटर प्लांट से आता सो रॉ मटेरियल पाइप के जरिए से वो वाटर टैंक रॉ वाटर टैंक को पहुँचता। वो बोर से आया सो रॉ वाटर प्लांट का वाटर इसमें से आपको वाटर टैंक को पहुँचेगा। यही रॉ वाटर टैंक, इसमें को हम पहला वाटर फिलअप करके लेना पड़ेगा। ये रॉ वाटर को इसमें कभी भी फुल रहना, ये इसमें वाटर एंड हुआ तो मशीनरी मार्क आता है, इसलिए कभी भी ये वाटर फुल रहने का सका हम मेंटेनेंस करना। नेक्स्ट इसके बाद आपको मैं मशीनरी बताऊंगा। अन्य वक्त से सर चुका था इसमें ये वाटर प्लांट में मेन मटेरियल, ये मेन मशीनरी, ये सेक्शन है। ये मेन मशीनरी में आपको कौन कौन सा पार्ट आता, वो पार्ट क्या काम करता, मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। ये मशीनरी में फर्स्ट इसे ये दोनों को फिल्टर्स बोलते हैं। इसमें आपको दो फिल्टर आते हैं, ये आके सैंड फिल्टर, नेक्स्ट ये आके कार्बन फिल्टर। ये सैंड फिल्टर क्या करता है, आप पानी का रॉ वाटर को इसमें क्या करते सैंड है तो वो सैंड को ये फिल्टर करके वाटर को नेक्स्ट कार्बन फिल्टर को भेजेगा। कार्बन फिल्टर उसमें क्या केमिकल्स कोस्तों भी है तो ये पूरा भी क्लीन करके नेक्स्ट आपको ये वाटर आके फिल्टर के जरिए से इसमें ये पाँच छोटा फिल्टर बोलते हैं। ये फिल्टर के अंदर ऐसा का फिल्टर रहता, ये फिल्टर आपको 15 दिन को एक बार बदला लेना पड़ेगा। ये फिल्टर को पहुंचता पानी, ये दो फिल्टर आ रहे थे, ये दो फिल्टर आपको पहुंचने के बाद वहां से वाटर आके आपको ये हाई प्रेशर पंप में को जाके हाई प्रेशर से वाटर को मेमोरियल, यही इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें मिनरल वाटर में, ये मेमोरियल को भेजता हाई प्रेशर वाटर पंप। इसमें से जाके कम्प्लीटली प्योरीफाइड वाटर होके आपको आउटपुट बाहर को आ जाएगा। ये आउटपुट आपका मशीनरी के कैपेसिटी के ऊपर को 500 लीटर्स पर आवर से लेके 2000 लीटर्स पर आवर तक का भी आपको आउटपुट आ सकता है। ये आउटपुट आने में इसमें से वेस्ट वाटर आपको एक परसेंटेज अच्छा वाटर आया तो 3% वेस्ट वाटर आपको बाहर को जाएगा। वो वेस्ट वाटर जाने के लिए भी उसका फैसिलिटी हम बाहर को वेस्ट वाटर जाने के लिए भी फैसिलिटी देख लेना पड़ेगा। ये मशीनरी को एक बार मैं ऑन करके आपको बताऊंगा। ये मशीनरी में और एक पार्ट आके ये डोजिंग पंप बोलते हैं। ये डोजिंग पंप क्या करता है तो हम मिला सो केमिकल ये मेमोरेंस फ्री से आने के लिए एंटी स्केलर केमिकल यूज़ करते हैं। वो एंटी स्केलर केमिकल ये टैंक में रखे, इसमें से ये डोजिंग करके आपको ये वाटर में मिक्स करके ये मेमोरेंस फ्री से करने के लिए आपको यूज होता। इसके बाद इसमें कंट्रोल का आता, ये कंट्रोल पैनल है, ये सब मेन स्विच, रॉ वाटर पंप है, हाई प्रेशर पंप, ये पूरा ऑन कर लेते, ये कितना वोल्टेज आ रहा है पूरा भी इसमें हमको दिखता रहेगा। नेक्स्ट ये आपको प्रेशर गेज, कितना प्रेशर इनपुट कितना है आउटपुट कितना है इसमें हमको प्रेशर बताएगा। सब 2000 बताया तो मीटर हमको 2000 लीटर्स पर आवर आउटपुट आ सकता है, 1600 बताया तो 1600, ये पूरा प्रेशर हम इधर वार हने का ये नाप से सेट कर सकते हैं। ये नाप से आपको कितना प्रेशर चाहिए, कितना आउटपुट चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ये मशीन रन करके बताऊंगा। पहला आप मेन स्विच ऑन कर लेना चाहिए, मेन स्विच के वास्ता रॉ वाटर पंप ऑन होते ही आपको वाटर रेफरेंस के जरिए से आ जाएगा। एक 1 or 2 मिनट्स टाइम देके आप हाई प्रेशर पंप को ऑन कर सकते हैं। टू मिनट्स टाइम दिए तो आपको पूरा वाटर सर्कुलेट होके पूरे को रॉ वाटर सप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम हाई प्रेशर पंप को ऑन करना पड़ेगा। आपको कितना लेट का उठाया है इसे बता दीजिए।
अम्मा ये मिशनरी का कास्ट वो आपको पूरा से पूरा बताऊंगा। पहला आपका जगह का लीज या रेंट वो सेट कर लेना चाहिए। इसके वास्तव में आपको एक बोर डालने के लिए 30,000 से लेकर 40,000 रुपये आपको कास्ट होगा। नेक्स्ट वहाँ उसमें मोटर फिट करने के लिए 30,000 रुपया टोटली 60,000 to 70,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा मोटर के लिए। उसके बाद तो उसका प्लम्बिंग पाइप्स और टैंक्स वाटर टैंक्स ये पूरा भी 70,000 से 80,000 रॉ वाटर के लिए आपको यूज़ होगा। उसके बाद तो मेन मशीनरी आपको मांगना पड़ेगा। ये मेन मशीनरी आपको कास्ट 1 lakh रुपीज़ से लेके 2 lakh 50,000 तक का रहेगा। ये 2,000 liters per hour का मशीनरी है। 2,000 liters per hour का मशीनरी आपको 2 lakh रुपये में मिल जाएगा। ये 2 lakh और वो एक 1.5 lakh रुपया आपको पूरा मिला के आपको नाजुक 3.5 lakh रुपए का में ये पूरा वाटर प्लांट रख सकते हैं। वे टोटली बोर के लिए 30,000 to 40,000 और प्लान उसका मोटर के लिए 30,000 और वाटर टैंक्स के लिए 70,000। नेक्स्ट मशीनरी के लिए 2 lakhs टोटली आपको 3.5 lakhs में आपको पूरा मशीनरी सेट हो जाएगा। इसमें आपको कैसा रहेगा, ये 2,000 liters per hour में आपको एग्जैक्टली 300 cans बोले तो 20 लीटर्स के 300 कैंस तक का डेली आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। 300 से 400 कर सकते हैं। 300 कैंस 10 rupees के हिसाब से करें तो भी आपको हर एक रोज 3,000 रुपए का बिजनेस चलेगा। उसमें आपको मेंटेनेंस के लिए 1,000 रुपए कर दिया तो भी आपको हर दिन 2,000 रुपए का प्रॉफिट जरूर रहेगा। ये प्लांट कहीं भी आप छोटा रूम में भी शुरू कर सकते हैं, नया आपके खास घर में भी शुरू कर सकते हैं, कहीं भी शुरू कर सकते हैं। मगर इसमें बाज नाइबर्स का ऑब्जेक्शन, नहीं का वाटर यूज़ करते ना हम, ये रॉ वाटर के लिए अब जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा लेके यूज़ किया तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये वीडियो अगर पसंद लगा तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सब्सक्राइब करने के वास्ता उसके बाजू रहा तो बेल बटन के ऊपर क्लिक करो। ये वीडियो हम मैनुफैक्चर सपोर्ट चैनल के जरिए से आपको बता रहे हैं। ये चांस हम ना देने के लिए मैनुफैक्चर सपोर्ट चैनल को हम थैंक्स बोल रहे हैं। ये वाटर प्लांट का बिजनेस कोई भी पढ़ा सा लड़का भी कर सकता, ना पढ़ भी कर सकता। इसके लिए आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हमारे फ़ोन नंबर को कांटेक्ट करें तो आपको पूरा डिटेल्स देके आपको प्लांट का मशीनरी पूरा सेट करके आपको रनिंग क्यों ऑपरेट क्यों करना पूरा भी बता के मैं आपको नजुक रह के आपको वाटर प्लांट पूरा सेट करके भी हम दे सकते हैं। इसलिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया फ़ोन नंबर को आप कॉन्टैक्ट करो। कल कर रहे हैं।